गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सनीवैश आप सभी का अपने इस वर्कअप सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम डेली मॉर्निंग में द हिंदू से रिलेटेड टॉप 10 वर्कअप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऐसे ही टॉप 10 वर्कअप्स आज भी हम पढ़ेंगे। तो इन सब के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ये वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वर्कअप का सेशन। वर्कअप सेशन में आज की पहली वर्कअप्स क्या है यहाँ पर, तो वर्ड नंबर वन देखा जाए तो क्या है, स्लंप। इसका सिनोनिम क्या है, फॉल इन प्राइस। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, मंदी। अब इसे याद कैसे करना, तो देखो अगर इसको याद करना है तो इसको सिनोनिम से याद करने का तरीका देखते हैं। जैसे फॉल मींस क्या होता है, गिरना। इन प्राइस मींस प्राइस का गिरना, यानी क्या घटना, घटने का मतलब मंदी आना। तो इस सेंस से इसको याद कर सकते। नेक्स्ट वर्ड क्या है, श्रिंक। इसका सिनोनिम क्या है, फॉल बैक। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, पीछे हटना। आप इसको भी कैसे याद कर सकते हैं, पीछे हटने का सेंस यहाँ पे भी किससे लिया गया इसको, मतलब कि जैसे कि अभी जीडीपी के सेंस में, ये द हिंदू में जीडीपी के सेंस में यूज किया, वैसे पीछे हटना भी होता है यूज, उसको अलग अर्थ ना ले इसलिए हमने इसको बताना चाहा है कि द हिंदू में इसका मतलब लिया गया है फॉल बैक, मतलब जीडीपी जो ग्रोथ है वो इस टाइम डाउन हो रही, तो बताया गया 38% रिड्यूस हुई है, तो उसके बारे में यहाँ पे इसको पीछे हटने के सेंस में लिया गया। अब इसको याद कैसे करेंगे, फॉल बैक मतलब फॉल मीन्स गिरना, बैक मीन्स पीछे गिरना, तो मतलब पीछे गिरना मतलब इन द सेंस पीछे हटना। नेक्स्ट क्या है, टेरिटरी। इसका सिनोनिम क्या होगा, होम स्टेट। इसका हिंदी अर्थ क्या है, क्षेत्र। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको इसकी सिनोनिम से याद करने की कोशिश करते हैं, होम स्टेट। तो होम मींस क्या होता है, घर। होम स्टेट को याद करेंगे किससे, होम स्ट्रीट से, यानी कि होम मींस घर, स्ट्रीट मींस गली, यानी घर की गली, यानी कि क्षेत्र। तो उसके सेंस से हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे और इससे ये याद। नेक्स्ट क्या है, सेडिशन। इसका सिनोनिम क्या है, रिबेलियन। इसका हिंदी अर्थ क्या, राष्ट्र। ठीक। नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंशन। इसका सिनोनिम क्या है, एक्सप्लीकेशन, और इसका हिंदी अर्थ है विस्तार। अब इसके लिए कई सिनोनिम होती है, एक्सपेंड भी होता है, एक्सटेंशन भी है यहाँ पर, और एक्सप्लिकेशन भी है। तो इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसका अर्थ क्या होता है, विस्तार। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वर्ड नंबर सिक्स क्या है यहाँ पर, थंडर स्टॉर्म। इसका सिनोनिम क्या है, रेन स्टॉर्म, और इसका हिंदी अर्थ क्या, आंधी गरज जैसे यहाँ पे मिलेगा। तो इसका मतलब ये होती है जब आंधी जब चलती है तो वहां पे बिजलियों की जो कड़कड़ाहट होती है या बादलों की जो गरजहट होती है, तो उसको एक तरीके से देख कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेन स्टॉर्म। अब इसको क्या करना है, याद कैसे करें इसको, तो रेन मीन्स बारिश, स्टॉर्म मीन्स क्या होता है, तूफान होता है। तो यानी बारिश के साथ जो तूफान, यानी कि बहुत भयानक होगा, तो उसको गरज के साथ आने वाली आंधी या तूफान भी कहते हैं, या इसको सिनोनिम्स में टाइफून भी यूज कर लेते हैं, यानी कि बहुत ही भयानक जो तूफान आया था उसके सेंस में भी इसको याद करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सियरिंग हीट। इसका सिनोनिम क्या है, ह्यूमिड समर। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, उमस भरी गर्मी, यानी जो कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी होती है उसको क्या बोलते हैं, उमस भरी गर्मी। इसका मीनिंग ये दोनों। नेक्स्ट क्या है, अकम्पेंड। इसका सिनोनिम क्या है, इंक्लूसिव। इसका अर्थ क्या है, साथ। नेक्स्ट क्या है, ग्रेजुअली। सिनोनिम क्या है इसका, बाय एंड बाय। हिंदी अर्थ क्या है, धीरे धीरे। ठीक, ग्रेजुअली क्रमशः भी मान सकते हैं, मतलब रिस्पेक्टफुली, यानी धीरे धीरे किसी भी चीज का बढ़ना या घटना, उसके सेंस में ग्रेजुअली यूज करते हैं या बाय एंड बाय यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वर्ड नंबर 10 यहाँ पर और लास्ट वर्ड है जो आज की, वो क्या है, चाउस। इसका सिनोनिम क्या है, एनआरसी। इसका हिंदी अर्थ क्या, अराजकता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ी द हिंदू से रिलेटेड टॉप 10 वर्कअप्स। इसको पढ़ने में हमें मुश्किल से 4 से 5 मिनट का समय लगा, और इसको हम अच्छे से कम समय में पढ़ पाए। तो ये वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।